नबी ने फरमाया अल्लाह की नजर में इस दुनिया की हैसियत मच्छर के पर के बराबर नहीं है। अल्लाह के नबी ने एक दफा कचरे के ढेर से गुजरे, बकरी का मरावा बच्चा पड़ा था। आपने फरमाया बताओ इस बच्चे को कौन इतने दिरहम में खरीदेगा। साहब ने कहा या रसूलल्लाह मुर्दार है, कौन खरीदेगा। आपने फरमाया अल्लाह की नजर में दुनिया की वैल्यू इससे भी कम है। तो जिससे वो मुर्दा बकरा छिन जाए और वो खुदकुशी कर रहा हो, तो खुदकुशी करने वाला काबिले तरस नहीं है, खुदकुशी करने वाला काबिले मलामत है। अबे दुनिया मुर्दार पे तूने जान दे दी, मुल्क पे जान देता, माँ बाप की इज्जत पे जान देता, दीन की खातिर जान देता, मजलूम की मदद के लिए जान देता, अच्छा लगता। टकों पे मर रहा है, लेकिन रोटी नहीं मिली एक वक्त भी, उस पे मर रहा है। नहीं यार बात मेरा ख्याल है समझ में। तो ये खुदकुशी करने वालों पे तरस नहीं खाया करो। मुझे बहुत अफसोस होता है जब नीचे कहे हाय बेचारे गुर्बत महंगा। अबे तू बिचारों पे कर रहे, इसको तोंदे भरी हुई है इनकी कमबख्तों की। ये हवस है हवस, ज्यादा चाहिए और ज्यादा चाहिए और ज्यादा चाहिए और ज्यादा चाहिए। और ये हवस का मरीज इनको मीडिया ने बनाया है, गोरे ने बनाया है, गैर मुस्लिमों ने बनाया है और लिबरल लोगों ने बनाया है, जो हर वक्त पैसे के पीछे भागते हैं। मजहब आपके दिल को से पैसे की मोहब्बत निकालता है, ऐसा कमाने से मना नहीं करता। पैसा जेब में होना चाहिए, दिल के अंदर नहीं होना चाहिए। और दिल से पैसा जब तक नहीं निकलेगा, जब तक दबा के अल्लाह की राह में खर्च नहीं करोगे। निकालो, ऐसे निकालो कि दिल से ना लगे कि दिल में तकलीफ हो रही है, वो सदका सदका होता है। थोड़ा सा अंदर क्या हो, जख्म हो के यार ये मैं क्या कर रहा हूं। लेकिन बेसिक जरूरतें पहले पूरी करो। इतना सदका ना करो कि आप बेसिक जरूरतों से ही चले जाओ ना, तो फिर गलत हो जाएगा।